अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेज से। प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेज में हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जो प्रोडक्शन था वो घर से निकल के आपका इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोडक्शन होने लगा था। जो प्रोडक्शन पहले घर में होता था, जैसे मान लो कि कोई कालीन है, पहले घर में कालीन बनाई जाती थी तो एक लिमिटेड नंबर में बनता था, ठीक है, जैसे कि, और वो काफी उसमें मेहनत होता था क्योंकि वो एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा बनाया जाता था, ठीक है, तो उसमें काफी समय लगता था, काफी खर्च आता था, काफी महंगा होता था वो, ठीक है। बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि वही कालीन लोगों, मतलब लोग नहीं बनाने लगे, वो कालीन मशीन बनाने लगी, ठीक है, उसी कालीन को मशीन से बनाया जाने लगा और लोगों ने बस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि रोजगार बढ़ गए, नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए, कॉस्ट कटिंग हो गया और आपका इजिली अवेलेबल हो गया मार्केट में सब कुछ, ठीक है। तो एक तो ये आपका एक इंडिविजुअल एक कालीन बनाता था, उसके बाद जब रिवॉल्यूशन हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो वही कालीन मशीन से बनने लगा, ठीक है, एक तरह से ये एक एग्जांपल है, ठीक है, एक तरह का ये एक एग्जांपल है कि प्री रिवॉल्यूशन डेज और रिवॉल्यूशन डेज में क्या फर्क है। तो एक तरह से एक समझ सकते हो कि ये चीज हुआ था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पे इंपैक्ट हुआ था, किसी भी चीज का प्रोडक्शन मास स्केल पे बढ़ गया था, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग सोशल बिलीफ सिस्टम। सोशल बिलीफ सिस्टम में देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पावर था वो किसके हाथ में होता था, मतलब जो पावर है वो किसके हाथ में होता था और पावर चलता कैसे था, ठीक है। तो इस सोशल बिलीफ सिस्टम में दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक है लैंड। जो जो भी तुम्हारा प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ना, तो उस डेज में लैंड का बहुत इंपॉर्टेंस होता था, ठीक है, लैंड, चर्च, अगर हम यूरोप का बात करें, ज्यादातर यूरोप की ही चर्चा होती है इसमें, ठीक है, यूरोप से ही मिलता जुलता अपना भी कल्चर था, मतलब मिलता जुलता इन द सेंस कि उसी टाइप का कुछ था, हम लोग में थोड़ा सा अंधविश्वास ज्यादा था उस समय और हम भी ज्यादा भगवान पे विश्वास करते थे। और तीसरा है किंग, ठीक है, जो पॉलिटिकल पावर है ये इन्हीं तीनों से मिलके बनता था, ठीक है, चर्च, लैंड और किंग। तो इंपॉर्टेंट था कि सोसाइटी को चलाना कैसे है, ठीक है, सोसाइटी को चलाने के लिए एक सिस्टम था यूरोप में जिसको बोलते हैं फ्यूडरलिज्म सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम था जिसको बोलते हैं फ्यूडरलिज्म सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या था, इसका हिंदी में है सामंतवाद, ठीक है, इसमें
इसमें क्या था कि जो लैंड था वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। जिसके हाथ में लैंड है भाई, उसी के हाथ में पॉलिटिकल पावर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें रखेंगे हम लोग किंग को। ठीक है, सबसे ऊपर कौन होता था? किंग। किंग के नीचे होते थे नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स एंड वेसल किंग। ठीक है, किंग के ऊपर, किंग के अंडर में कौन रहते थे? वेसल किंग, नोबल्स और एरिस्टोक्रेट। वेसल किंग किनको बोलते हैं कि जो किंग के, जो राजा के एक तरह से बोल सकते हो कि उनके जो फैमिली मेंबर से रिलेटेड लोग होते थे उनको हम लोग बोलते हैं वेसल किंग। ठीक है, ये राजा के फैमिली मेंबर से ही रिलेटेड लोग पर्सन होते थे। ठीक है, उसके बाद आता था नोबल्स और ये एरिस्टोक्रेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते थे नोबेल्स। ठीक है, नोबेल्स में एक टाइटल्स होते थे। ठीक है, नोबेल्स में टाइटल दिया जाता था। सबसे मेजर टाइटल होता था ड्यूक। ठीक है, सबसे मेजर टाइटल होता था ड्यूक। उसके बाद होता था अर्ल। ठीक है, उसके बाद होता था बैरन। उसके बाद होता था नाइट। ठीक है, नोबल्स में टाइटल्स दिए जाते थे। ठीक है, सबसे बड़ा टाइटल होता था ड्यूक, उसके बाद अर्ल, उसके बाद बैरन, उसके बाद नाइट। ठीक है, ड्यूक सबसे करीब होता था किंग के। ठीक है, अर्ल ड्यूक के, बैरन अर्ल के, नाइट बैरन के। ठीक है, ऐसे रिपोर्टिंग होता था। सबसे मेजर यही है, एक तरह से देखो सबसे मेजर पोर्शन यही होता था। किंग के नीचे नोबल्स, नोबल्स चार टाइप के होते थे। ठीक है, ड्यूक अर्ल बैरन नाइट, ये चारों नोबल है। ठीक है, जो ड्यूक होते थे वो किंग को रिपोर्ट करते थे, अर्ल ड्यूक को रिपोर्ट करते थे, बैरन अर्ल को रिपोर्ट करते थे, नाइट बैरन को रिपोर्ट करते थे। ठीक है, अब क्या है कि जो पूरा मान लो इतना बड़ा लैंड है, इतना बड़ा जो लैंड है इसमें विलेज भी है। ठीक है, इसमें विलेज भी है, इसमें तुम्हारा एनिमल्स हैं या फिर उनको बोल दो पेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद पॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये और ये तुम्हारा मान लो बड़ा बड़ा फील्ड है। ठीक है, इसमें खेती होता। तो ये जो जमीन है, ये पूरा जमीन जो है ये होता था किंग के पास। ठीक है, पूरा जमीन होता था किंग के पास। अब किंग क्या करता था, वो जमीन को या तो वेसल किंग को दे देगा, या तो नोबेल्स को दे देगा, या एरिस्टोक्रेट को दे देगा। उसके पास पूरे एक सिटी की जमीन है,
उसमें से कुछ पोर्शन वो वैसल किंग को दे दिया, कुछ पोर्शन नोबेल्स को दे दिया, कुछ पोर्शन एरिस्टोक्रेट को दे दिया। ठीक है, अब मान लो ये पोर्शन जो आया है, ये आया है तुम्हारा नोबेल्स के अंडर, ठीक है, ये आ गया नोबेल्स के अंडर। एक काम करना, इसको हम रब करते हैं, ठीक है, और अच्छे समझाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जो लैंड है उसको मैनोर बोलते थे, लैंड को मैनोर बोला जाता था, एम ए एन ओ आर, मैनोर, इसी को लैंड बोल दो, इसी को विलेज बोल दो, ठीक है। इनके जो मालिक होते थे उनको बोला जाता था लॉर्ड, ठीक है, मैनोर, मैनोर के जो मालिक होते थे उनको बोला जाता था लॉर्ड, ठीक है। अब इस मैनोर के अंडर जो विलेज थे उनमें रहने वाले को बोला जाता था विलेजर्स, ठीक है। विलेजर्स क्या करते थे, वो करते थे फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग करते थे। तो विलेजर्स भी खुद से एकदम से फार्मिंग नहीं करते थे, वो कुछ सर्फ रखते थे। सर्फ मतलब होता है SERF, सर्फ, जिसको बोलते हैं हम लोग बंधुआ मजदूर, ठीक है। ये जो सर्फ होते थे ये अगर आज काम कर रहे हैं खेत में तो इनकी आने वाली पीढ़ी भी उसी आदमी के लिए उसी खेत में काम करेगी, ठीक है, इसलिए इनको सर्फ बोला जाता था, ठीक है। सर्फ किसके अंडर होते थे, विलेजर्स के अंडर, विलेजर्स किसके अंडर होते थे, लॉर्ड के अंदर, ठीक है। और लॉर्ड किसको रिपोर्टिंग करते थे, लॉर्ड रिपोर्टिंग करते थे या तो किंग को, ठीक है, या तो चर्च को, ठीक है। किंग के पास भी उतना पावर नहीं था जितना पावर चर्च के पास था, ठीक है। चर्च के पास प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेज में बहुत पावर होता था, एक तरह से जो सोसाइटी में होता था वो चर्च के बिना मर्जी के नहीं हो सकता था, ठीक है, उनके पास इतना पावर होता था। तो जो हम इसके पहले एक चार्ट बनाए थे, किंग, किंग के अंडर नोबेल, नोबेल के अंडर विलेजर्स, सर्व, ठीक है। तो जैसे कि मान लो सर्फ रिपोर्टिंग किया विलेजर्स को, विलेजर्स रिपोर्टिंग किए नोवेल्स को, नोवेल्स ने रिपोर्टिंग किया किंग को, या फिर चर्च को, तो ये सिस्टम क्यों होता था, क्यों जो राजा था वो सीधे सीधे विलेजर्स या फिर सर्फ को जमीन क्यों नहीं बांटता था, क्योंकि उस समय लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है, तो वहां पे विद्रोह का हमेशा डर बना रहता था, ठीक है, विद्रोह का हमेशा डर बना रहता था कि अगर डायरेक्ट जमीन इनमें बांट दिया जाए तो इनमें विद्रोह हो जाएगा और राजा की कुर्सी चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो है नोबेल्स जो है वो राजा के हमेशा करीबी होते थे, ठीक है, तो जब भी कभी जरूरत पड़ता था तो नोबेल्स राजा को आर्मी प्रोवाइड कराते थे, ठीक है, वो आर्मी यही विलेजर्स होते थे, बट वो कुछ ट्रेंड लोग होते थे जो नोबेल के लिए काम करते थे और चर्च की, चर्च या किंग की हेल्प करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये सिस्टम बना हुआ था प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डेज में, ठीक है। तो मोटा मोटी चीज ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज था वो सब डिपेंड करता था कि सबसे ज्यादा लैंड किसके पास है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा लैंड होल्ड करेगा वही सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर होल्ड करेगा, ठीक है। तो
सबसे इंपॉर्टेंट चीज था लैंड, ठीक है। बट लैंड के अलावा भी कुछ चीजें थी लैंड के अलावा भी कुछ चीजें थी जैसे अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम को देखें, ठीक है, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो लोग चार तरह से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। लैंड तो सबसे मेजर चीज होता था, ठीक है, लैंड सबसे ज्यादा मेजर चीज होता था। आज के अगर हम आज के परिवेश की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडस्ट्री, ठीक है। अगर इंडस्ट्री नहीं है तो अपने पास जॉब नहीं है, ठीक है। उसी तरह लैंड आज भी इंपॉर्टेंट है बट उस समय इंडस्ट्री नहीं थी, तो इंडस्ट्री के जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लैंड हुआ करता था। बट जिनके पास लैंड नहीं होता था वो लोग भी तो जीवन यापन करते ही थे, तो वो लोग जीवन यापन कैसे करते थे, तो इसमें हम देख डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम को हम देखेंगे चार पार्ट में, सबसे पहले होते थे हंटर्स, ठीक है, हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है। इनका जो मेन प्रोफेशन था वो था हंटिंग, जानवरों को मारो, पकाओ, खाओ, ठीक है। इनका मेन प्रोफेशन होता था हंटिंग। दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स क्या मतलब, ये कौन लोग करते थे, जो सोसाइटी में जिनका होल्ड बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता था वो शिफ्टिंग कल्टीवेटिंग करते थे। जैसे कि मान लो ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड के इस पोर्शन में बहुत कम लोग आना जाना करते हैं, तो वैसे लोग इधर आके खेती करते थे और यहाँ पे कुछ अनाज उगाते थे और खाते थे, ठीक है। बट जब जो पावरफुल लोग जब इस पे अपना कब्जा जमाने लगते थे तो ये इस लैंड को छोड़ के चले जाते थे और दूसरी जगह अपना खेतीबाड़ी करना स्टार्ट करते थे, मतलब ये मूव करते रहते थे, शिफ्ट करते रहते थे अपने एग्रीकल्चरल लैंड को, ठीक है। तीसरे लोग होते हैं, इनको बोला जाता है तीसरे होते थे पैस्टोरलिस्ट, लुकिंग आफ्टर लाइफ स्टॉक, ठीक है। इनका काम ये होता था कि ये ज्यादातर पशुपालन करते थे, ठीक है। ये इनके पास ज्यादा जमीन नहीं होती थी, ठीक है,
इनके पास ज्यादा जमीन नहीं होती थी। ये पशुपालन करते थे, ठीक है, पैस्टोरलिस्ट क्या करते थे, जैसे मुर्गी हुआ, तो जैसे मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वो एक तो मुर्गी खुद हो गई, ठीक है, मुर्गी पालन की है, तो उस मुर्गी से एक तो अंडा बेच सकते थे, ठीक है, उसके बच्चे बेच सकते थे और उसके मीट बेच सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप से वो, अब देखो उस समय क्वाइन सिस्टम था नहीं, ठीक है, तो कुछ अंडे देकर कुछ अनाज ले लेना, ठीक है, बाटा सिस्टम चलता था, वहां भी जब बाटा सिस्टम चलता था यूरोप में भी, तो उस इस सिद्धांत पे वो अपना लाइवलीहुड चलाते थे, ठीक है। और चौथा जो होता था वो होता था इंटेंस फार्मिंग, ठीक है। ये इंटेंस फार्मिंग मतलब पूरी तरफ एग्रीकल्चर, भयंकर एग्रीकल्चरिंग होती थी यहां पर, ठीक है, मतलब ये खेती भी करेंगे, ठीक है, ये पशुपालन भी करेंगे, ठीक है। तो ये हर तरह से, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि धनी लोग इंटेंस फार्मिंग करते थे, जो उस समय काफी जो धनी मनी लोग होते थे वो लोग इंटेंस फार्मिंग करते थे। धनी मनी मतलब राजा नहीं, मतलब जो विलेजर्स, धनी मनी विलेजर्स होते थे वो एग्रीकल्चर या इंटेंस फार्मिंग में ज्यादा अपना प्रोफेशन इंटेंस फार्मिंग में बनाए रखते थे। तो ये अपना इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे चलता था, पहले हंटर्स थे, उसके बाद शिफ्ट कल्टीवेटर है, उसके बाद पैस्टोरलिस्ट लुकिंग आफ्टर लाइफ स्टॉक, उसके बाद है इंटेंस फार्मिंग। तो ये चार चीजें थी जिन पे किसी भी इंसान का लाइवलीहुड चलता था, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम में आएगा तो आप ये चार पॉइंट को लिखोगे और इसको समझा दोगे, ठीक है, कि इसमें किसमें क्या क्या चीज होता था। अब प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में कुछ बताओ तो आप उस पॉइंट को डिस्कस करके अपने आंसर को लिख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीज होती थी। ये मोटा मोटी हमने समझा दिया कि प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड एक तरह से डेज होते थे, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डेज जो थे वो एग्रीकल्चर बेस्ड होते थे, ठीक है। उसके बाद उसमें मतलब पावर कैसे शिफ्ट होता था, कैसे कैसे वो पावर नीचे आता था वो भी दिखा दिया, चर्च के पास, किंग के पास सबसे ज्यादा पावर होते थे, उसके बाद वो कैसे कैसे नीचे पावर डिस्ट्रीब्यूट होता था, ठीक है, किंग या चर्च को उसके बदले क्या मिलता था, जैसे कि अगर जो लैंड है जो उसमें एग्रीकल्चर हो रही है, फार्मिंग हो रही है जिस लैंड में, तो वो लैंड में जो फार्मिंग होती थी उसका कुछ परसेंटेज चर्च, किंग या फिर जो लॉर्ड होते थे लैंड के उनको जाता था और बाकी का जो फार्मिंग कर रहे हैं उनको जाता था, ठीक है। तो ये सिस्टम था उस समय। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बात करें तो सबसे पहले सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिमिटेड प्रोडक्शन, लिमिटेड प्रोडक्शन मैंने पहले ही बताया है कि चूंकि वहां पे इंडस्ट्री उस समय थी नहीं तो लोग खुद अपने हाथों से चीजों को बनाते थे, तो उससे क्या होता था कि जो प्रोडक्शन है वो मास स्केल पे नहीं हो पाता था, जिसके कारण लिमिटेड प्रोडक्शन में क्या होता था कि प्राइस
ज्यादा होता था, ठीक है, क्वांटिटी कम होती थी, क्वालिटी मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि स्टेबल रहता था क्वालिटी। ना बुरी होती थी ना अच्छी होती थी, एक तरह से ठीक ठाक क्वालिटी होती थी। क्योंकि हम इसलिए इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वालिटी इंसान अपने हाथ से, जो इंसान जैसे कि अगर 10 साल से कोई कालीन बना रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर 11वां साल वो जब कालीन बनाएगा तो एकदम से उसमें क्वालिटी में इन्हांसमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो चीज अगर हम इंडस्ट्री के माध्यम से करें तो हो सकता है कि उसमें क्वालिटी इंक्रीज अच्छी हो जाए उसकी, बट एक इंसान जो चीज बना रहा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा ये हो गया लिमिटेड प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिमिटेड प्रोडक्शन, बाद में जो क्रांति हुई थी इसी के कारण हुई थी, एक तो लिमिटेड प्रोडक्शन के कारण और दूसरा पावर के कारण, ठीक है। जो किंग के पास जो पावर होता था वो उस पावर का किंग या फिर चर्च काफी मिसयूज करने लगे थे, ठीक है। उसके बाद ही विद्रोह हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा है एक्सट्रीम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब उस समय में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर होता था और कुछ नहीं, ठीक है। और कहीं से लोग पेट नहीं भर सकते थे, मतलब पेट तो भर सकते थे बट एक तरह से अगर आपको उस समय अगर अमीर बनना है तो आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा है लैंडलॉर्ड का सिस्टम, ठीक है। चौथा है चौथा है पैरोकियलिज्म, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ा याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब हम समझाते हैं क्या है। इसका मतलब है कि जो लोग जिस एरिया में, मान लो एक कुछ पर्टिकुलर ये एरिया है, ठीक है, ये दूसरा एरिया है, ठीक है, तो जो लोग इस एरिया में जन्म लेते थे, ठीक है, जो लोग इस एरिया में जन्म लेते थे वो लोग इस एरिया के लोगों से ज्यादातर कम्युनिकेट नहीं करते थे, ठीक है। वो लोग इस लोग के, मतलब ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, ठीक है। तो इस एरिया में जो लोग जन्म लिए हैं वो इस एरिया के लोगों को से ज्यादातर कम्युनिकेट नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन होगा तो काफी, मतलब छोटे स्केल पे कम्युनिकेशन होता था, वो भी राजा के स्केल पे होगा या फिर नोबेल्स के स्केल पे होगा या फिर लैंडलॉर्ड के स्केल पे होगा। ज्यादातर विलेजर्स कम्युनिकेट नहीं करते थे, ठीक है। वो यहीं जन्म लेंगे, यहीं की वो कल्चर सीखेंगे और यहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ हाल इनका भी होता था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसको, लैक ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इस चीज को याद रखना, पैरोकियलिज्म, ठीक है। और पांचवा होता था लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। देखो उस समय लिमिटेड डिवीजन का मतलब ये हुआ कि कास्ट सिस्टम तो था, मतलब जो सर्फ होते थे काम उन्हीं को करना है, लेकिन कुछ ही ऐसे लेबर होते थे कि जो लीग से हटकर काम करें, ठीक है। जो जैसे कि जो परंपरागत रूप से खेती हो रही है, जो होते हुए आ रही है,
उससे हटकर कुछ अलग खेती करने के बारे में जो सोच सकता है, उस टाइप के लेबर काफी कम होते थे। ठीक है, तो लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर। और छठा जो होता था, एक तरह से बोल सकते हो कि उसमें सब कुछ, मतलब पावर जो है वो चर्च और किंग के हाथ में होता था। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसने और चर्च ने बोल दिया कि 10 साल का लड़का जो है वो अगर काम करेगा तो करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ रूल नहीं होता था कि इससे कम के लड़के काम नहीं कर सकते हैं या इससे ज्यादा के लड़के काम नहीं कर सकते, औरतें काम नहीं कर सकती, इस टाइप का कुछ नहीं होता था उस समय। मतलब एक तरह से काफी शोषण होता था, ठीक है, बच्चे हो या फिर औरतें हो, अगर चर्च ने ऑर्डर दे दिया है तो दे दिया है, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पांच, जिसे तुम पूरे तरह से प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डेज को समझा सकते हो कि लिमिटेड प्रोडक्शन थे, एक्सट्रीम एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, लैंडलॉर्ड का सिस्टम था, ठीक है, प्रोकियालिज्म, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर होते थे, चर्च और किंग के पास यहीं पे पॉलिटिकल पावर होते थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। ठीक है, अब दूसरा है, अब दूसरा देखें, मतलब दूसरा एस्पेक्ट देखें, जो अभी हमने, अभी तक हमने जो बात किया है वो बात किया हमने यूरोपियन एस्पेक्ट से। ठीक है, अगर इंडियन एस्पेक्ट देखें तो हमारे यहां भी कुछ अलग सिस्टम था नहीं, ठीक है, लगभग यही सिस्टम होता था। ठीक है, लगभग यही सिस्टम होता था उस समय। हमारे यहां भी किसका रूल होता था? किंग का। ठीक है, हमारे यहां भी लैंड इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है, हमारे यहां भी लैंडलॉर्ड होते थे। ठीक है, थोड़ा सा अपना जो बिजनेस करने का जो तरीका था वो अलग था। ठीक है, अपना बिजनेस करने का तरीका कैसा था कि अगर एक ये स्टेट है, दूसरा ये स्टेट है, ठीक है, तो प्री रिवॉल्यूशन डेज में क्या होता था, ये हो गया स्टेट वन, ये हो गया स्टेट टू। तो स्टेट वन हो गया, मान लो ये किंग वन हो गए, ये हो गया किंग टू। तो किंग वन ने अटैक किया किंग टू पे, किंग टू के स्टेट पे, ठीक है, और इसको जीत लिया। ठीक है, इसको जीत लिया। तो ऐसा नहीं था उस समय कि अगर ये हार गए हैं किंग टू तो किंग टू इनके अंडर, मतलब बंदी बना लिए जाएंगे, इस टाइप का सिस्टम नहीं था। इस टाइप का सिस्टम था बट ज्यादातर ऐसा नहीं होता था। ज्यादातर होता था कि किंग वन बोलता था कि आप अपने स्टेट के, आप अभी भी किंग रहेंगे, बट अब आपके स्टेट में जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होगा उसका कुछ परसेंटेज हमें जाएगा। ठीक है, आपके स्टेट का जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होगा उसका फ्यू परसेंट हमें जाएगा। ठीक है, उसी तरह तीन चार जगह से अगर वो जीत गया है स्टेट को, तीन चार स्टेट इसने जीता है, तो सोचो कि तीन चार स्टेट से थोड़ा थोड़ा मिला के भी अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ गया तो इसके पास सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता था और ये सबसे धनी मनी स्टेट हो जाता था। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा सा, मतलब ये तरीका वेस्टर्न में फेमस नहीं था, ये इंडिया में फेमस था। ठीक है, तो एक ये हो गया, और बाकी अपना भी अपना बाटा सिस्टम चलता था। ठीक है, बाद में क्वाइनेज सिस्टम आ गया। ठीक है, बाटा सिस्टम चलता था स्टार्टिंग में, मतलब सामान के बदले सामान मिलेगा, बाद में सिक्के के बदले सामान मिलने लगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंडियन एस्पेक्ट। ठीक है,
इसमें यहाँ भी आपका लेबर का शोषण होता था, हरासमेंट ऑफ लेबर्स। कास्ट सिस्टम काफी प्रोमिनेंट था। ठीक है, तो ये अपना इंडियन एस्पेक्ट हो गया, वो अपना यूरोपियन एस्पेक्ट हो गया। तो ये कुछ, ये चैप्टर अपना, ये टॉपिक सब टॉपिक हो गया खत्म। प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेज, इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसको करेंगे नेक्स्ट डे।